नैरेटर के पास केवल 80 फ्रेंस थे। फ्रेंस का मतलब है ये एक कॉइन है और एक मुद्रा है, और केवल 80 जो फ्रेंस थे, कहने का मतलब 80 रुपीज़ थे उसके पास। और वो लंच में, जो कि दोपहर के समय किया जाता है, उस लंच में लेता है मटन चॉप्स लेता है। और जब है मटन चॉप्स लेता है तो क्रिटिसाइज हैवी फॉर लंच, तो वो महिला थी, इसे लंच को देख कर कहती है, इतना भारी लंच लेते हो आप, मटन चॉप्स इस तरीके का होता है, इस तरीके का मटन चॉप्स होता है, ये है मटन चॉप्स। तो यहाँ पर जो नैरेटर है उसने अपने लंच में क्या लिया, मटन चॉप्स लिया था, जो कि राइस वगैरह के साथ खाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लेडी है, वो महिला, वो क्या लेती है, सैल्मन। इसको हम एक फिश होती है, उसने लंच में क्या लिया, फिश लिया। फिश किस तरीके की होती है, फिश देखो, सालमन फिश, ये इस तरीके की फिश होती है, ये इसने लंच में ली। इसके बाद हम देखते हैं कि उस महिला ने कैबियर कैबियर लिया। कैबियर का मतलब है जो मछली होती है, उसके अंडे हैं, वो भी लंच में लिए थे। इस तरीके के हैं फिश के एग्ज होते हैं, इस तरीके के ये कैवियर है, मछली के अंडे हैं, उनको लिया। इसके बाद हम देखते हैं और एक चीज, और उसने अपने चैम्पेन का सैंपेन सैंपेन भी लिया था। क्या लिया था, सैंपेन। सैंपेन क्या होता है, देखो जी, इस तरीके की वाइन है, और उसने और पी थी। इसके बाद हम देखते हैं एस्पेरेगस। एस्पेरेगस मतलब एक जूस होता है। क्या होता है, जूस होता है, और इस प्रकार का वो जूस होता है। देखो ये क्या है, एस्पेरस की ये ब्रांचेज होते हैं, और उनसे कि इस जूस को तैयार किया जाता है, और ये इस तरीके से हम देखते हैं कि दोनों के द्वारा लंच लिया जाता है। देखो लंच में नैरेटर है मटन चॉप्स लेता है, लेकिन वो लेडी है सैल्मन है, कैबियर है, सैंपेन है, एस्पेरेगस है, इनको लेती है। अब क्या है कि नैरेटर के पास में 80 फेंस थे, और जब वेटर को जो बिल करना था, पैसा है, कम पड़ जाता है।